गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही मेरी? एम आई ऑडिबल? यस नो? यस सर। ओके, तो अभी तक कौन मैदान में कौन नहीं आया है? अभी विधि नहीं आई है और ओम मिस्ट्री नहीं आया है। विधि और ओम मिस्ट्री आना अभी। हाँ, ओम मिस्ट्री आ गया। चलो ओके। कल हम लोग कर रहे थे टाइम ऑफ एसेट, यहां से यहां जाने के टाइम। मैंने वाई मोशन फ्रॉम ओ टू ए लिया था, तो यू वाई में क्या लिखूं? यू वाई, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट? यू यानी इधर, वी यानी इधर, तो व्हाट इज यू वाई एंड ओ? कैन आई से यू कॉस थीटा और जस्ट यू? विल इट बी जस्ट यू? यू वाई मल्टीकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट ए जीरो एंड टी वाई इज टी वन तो टेल मी व्हिच इक्वेशन करेक्ट दिस क्वांटिटीज। Which one? V equal to U plus A D. एकदम easy वाला equation. So what will be V by equal to U y plus A y T one. V y के बदले zero और इधर T रखते थे A y T. U y के बदले U sin theta. A y के बदले minus T के बदले T one. Given v equal to u sin theta upon g. This is the formula for time of ascent. All right. Now we will do time of descent. Anybody can tell me time of descent ka koi ekdam easy method? Ekdam easy method. Anybody can tell me some easiest approach of how to find T2? And let me tell you one thing. The answer of this is there on this whiteboard. Whiteboard pe answer hai iska. Jo ekdam dimag lagayega, he will get the answer. Jo bhi dimag lagayega, he will get the answer of T2. Who will tell me? So T2 is equal to T minus T1. That T minus T2 vapas. No, sir, T2 is equal to T minus T1. That's right. Very good. Jito, I love it. T ka formula humko pata hai. What is T ka formula? Haan, jara main formula puchta hu yaar. Mujhe R ka formula bata. Ohm, range ka formula. Kal derive kiya tha wo. Sabko bola tha learn by heart. Ohm mystery. Yes, sir. R equals to U square sin theta upon G. That's wrong. Bhargesh, range ka formula bol. Yes, sir. R is equal to U square 2 sin theta cos theta upon G. That is very bad answer. Bad answer. I would like to ask Maz. Maz, bol. Range ka formula. Sir. R is equal to U square sin 2 theta upon G. That's the answer. क्या कर रहे हो तुम लोग? और sin theta upon G बोलता है ओम. Okay, मुझे बताओ Hmax का formula. जीतू, Hmax का formula बोल. Maximum height. So U square sin square theta upon 2G. That's it. Lovely answer. Then Vidhi. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर बता. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर विधि. एम आई ऑडिबल? यस सर. यस बोल बोल. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोल. सर टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी. दैट्स आंसर. तो इधर लिखूंगा 2u साइन थीटा अपॉन जी.
और टी वन में लिखूंगा u साइन थीटा अपॉन जी एंड देयरफॉर टी टू का आंसर आएगा साइन थीटा अपॉन जी। यू साइन थीटा अपॉन जी लेंगे कॉमन तो टू माइनस वन इज वन तो दैट इज यू साइन थीटा अपॉन जी। ओ ओ यू साइन थीटा अपॉन जी टी वन का भी आंसर था टी टू का भी आंसर यही है देयरफॉर टी वन इक्वल टू टी टू देयरफॉर टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने में जो टाइम लगा वही टाइम नीचे आने में लगा ये रहा आंसर आपके सामने। एक बार रूलर मारूं कि समझ गए हो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल अगर आ गया तो सब आ गया आपको। देखो वाई मोशन थ्रो मोटिव है यू वाई यू साइन थीटा ए वाई माइनस जी वी वाई जीरो टी वाई टी वन वी गुड यू प्लस ए टी वी वाई गुड यू वाई प्लस ए वाई टी वी वाई इज जीरो यू वाई इज यू साइन थीटा A y is minus g, t is t1, t1 का answer ये रहा, learn by heart, all the answers, ये अगर याद है तो इसका ये 2 हटा दो तो t1, t2 दोनों आ जाएंगे, तो t2 will be t minus t1, t का formula अभी अभी विद्धि ने बताया, to u sin theta upon g, t1 का formula u sin theta upon g, subtract, that's the answer, we find t1 equal to t2, मतलब both are equal, and therefore, copy this first, यस होगा वहां यस सर। कॉपी कर लिया तो हम लोग बढ़ते हैं आगल। अच्छा एक बात मेरे को है ना मैथमेटिक्स से सिखानी है आपको बहुत जबरदस्त बात है और उसको यूज करेंगे हम लोग इसमें। अच्छा मुझे एक बात बताओ मैथ्स का बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ साइन थीटा को भी फाइव देखा है साइन थीटा इक्वल टू फाइव और सपोज टू या थ्री या ऐसा कुछ देखा है कभी हाँ या ना। चल जाने दो ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बात बताऊं व्हाट इज साइन थीटा विच साइड अपॉन विच साइड साइन थीटा इज विच साइड अपॉन विच साइड सब परपेंडिकुलर अपॉन दिस sin theta is opposite upon hypotenuse. All of you agree? Sin theta is opposite side upon hypotenuse. ये मालूम है कि नहीं मालूम हाँ या ना फटाफट बोलो मेरे साथ साथ में। Yes, हाँ, yes मालूम है। अच्छा आपको triangle में right angle triangle में which side is biggest? The hypotenuse. Hypotenuse is biggest. Hypotenuse is biggest. मतलब denominator always बड़ा होगा। So therefore sin theta का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा कभी टू हो सकता है क्या वो टू हो सकता है क्या यस सर इट कुड बी इसका अच्छा हाँ क्या क्या हो सकता है इसका व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं नहीं हाँ बोलिए हाँ का मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज वन वन से पॉसिबल वन भी नहीं हो सकता एक्चुअली लेकिन क्या मैक्सिमम 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 नहीं क्या हो सकता है ये और ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए तो ये ऑपोजिट और हाइपोटेनस नियरली इक्वल हो जाए अगर ये बहुत छोटा हो एडजेसेंट तो रिमेंबर वन थिंग साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज वन फॉर विच एंगल इट इज वन ये तो मालूम होगा आपको
For which angle it is 1? Sine theta, sine of any angle ka maximum value is 1. Can you tell me for which angle it is 1? Sine ka which angle is 1? Wo to bolo. Sine 45 1 hota hai kya? Sine 31 hota hai? Sine ka which angle is 1? 45. अगर नहीं मालूम है तो लिख के रखो cos 0 is 1 and cosine 90 is 1. ये लिखो चलो ये लिखो ये नहीं मालूम दैट फर्स्ट टाइम देखा है sine 90 is 1 लाइफ में आई एम जस्ट टेल मी ऑनेस्टली मुझे हां क्या क्या मालूम तो फिर क्यों बोल नहीं रहे हो तुम लोग क्या समझ रखे हो अपने आप को वो आंसर ही नहीं देना चाहते हैं आई डोंट लाइक दिस Suppose sine theta, sine phi theta, sine 100 theta, sine of 1000 theta. Tell me what is the maximum value of this? Chahe koi bhi theta hone do, what is the maximum value of all this? Iska maximum value kya hoga? Sine ka anything with respect to sine. Maximum, what is the maximum value? 1. When theta becomes 90. Theta yani अगर ये थीटा अकेला है तो थीटा इज 90 5 थीटा है तो 5 थीटा शुड बी 90 100 थीटा है तो 100 थीटा शुड बी 90 इज दिस क्लियर और नॉट यस सर ओके तो ये ध्यान में रखिए अभी एक क्वेश्चन लिखो शो दैट फॉर अ गिवन वेलोसिटी Range is maximum at 45 degrees. Range is maximum at 45 degrees. हो गया अभी है ना एक बार क्या हुआ मालूम है एक बार मैंने पूछा जनरली कि भाई मेरे को दूर से दूर फेंकना है जेवलिन थ्रो सुना होगा जिसका रेंज सबसे ज्यादा होता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है सुना है कि नहीं यस सर ओके तो रिमेंबर वन थिंग टेल मी जो एंगल थीटा है उसको बढ़ाते जाएंगे तो रेंज विल गो ऑन इंक्रीजिंग रेंज बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे यस और नो नो दैट इज राइट आंसर क्योंकि छोटा एंगल होगा तो ठीक है छोटा फिर थोड़ा और बढ़ाएंगे थोड़ा और बड़ा फिर एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइक दिस फिर और बढ़ाएंगे तो यू नो इट विल कम लाइक दिस और बढ़ाएंगे तो लाइक दिस और बढ़ाएंगे 90 डिग्री कर देंगे तो ये वापस आकर इधर ही गिर जाएगा रेंज भी बिकम जीरो तो हमेशा ध्यान रखो जो कोच लोग होते हैं ना वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है जेवलिन थ्रोअर को कि थ्रो इट इन सच अ वे दैट एंगल इज 45 डिग्रीज तो हम लोग है ना अभी प्रूव करेंगे कि 45 डिग्रीज पे रेंज इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन वेलोसिटी देखो बहुत आसान है फिर भी व्हाट इज रेंज का फॉर्मूला क्या मुझे भरगेज बताओ भरगेज रेंज का फॉर्मूला बताओ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin थीटा / g क्या u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया u स्क्वायर 2 sin थीटा / g किसका फॉर्मूला है ये द रेंज का तो फॉर पूरा बोल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड क्या अरे लेफ्ट हैंड साइड क्या है उस फॉर्मूले की जिसका फॉर्मूला बोल रहा है सर पता नहीं कल कैसे लिखा था
अरे यार रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये बोलना है तुमको यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, नहीं रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ऐसे बोल बोल वापस। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। अरे पागल, साइन टू थीटा अपॉन जी प्लीज, क्या पागल हो गया क्या? और इस रेंज का फॉर्मूला वापस बोल। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो इतना बोलने में इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और साइन थीटा अपॉन जी क्यों बोल रहा था? आई डोंट लाइक दिस। यू स्क्वायर साइन, पांच बार बोल इसको अभी बर्गेश, पांच बार बोल इसको बर्गेश, बर्गेश। यस सर। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। U square is constant to the given velocity, G is constant, so can I say R will be maximum when sine 2 theta is maximum. Tell me, you agree? ये वाली चीज numerator में ये तो ज्यादा होगी तो ये भी ज्यादा होगा, sine 2 theta is maximum. That implies sine 2 theta should be equal to what? खाली इधर बताओ मुझे क्या लिखना है? And that implies 2 theta equal to what? ये कौन बताएगा मुझे? And that implies theta equal. यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? ये बता चुका हूँ मैं अभी. यहाँ क्या लिखूँ? यहाँ क्या लिखूँ? यहाँ क्या लिखूँ? Sir, sine 2 theta is equal to 1. That is right. Therefore, 2 theta equal to? Sir, 90. 90. That's right. And your theta equal to 45. Therefore, range is maximum. Copy kar lo isko. Show that theta and 90 minus theta are two values of angle of projection for same range. U constant. ये मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूं आपको. एक बार है ना मैंने भरगेश को बोला 30 डिग्री पे फेक, 30 डिग्री लेते सी ये 30 डिग्री पे फेक. So, with certain velocity u, let us say 10 meter per second. All right, Burgess ne fekha yahan pe aaya. All right, fir maine isko bola, mass ko 60 degree pe fek, lekin 10 meter per second se hi fekna. 10 meter per second se hi fekna. To malum pada exactly usi jagah pe aake takra hai, khali height was different. Maximum height dono ki alag alag thi, range was same. Fir maine bola nahi, abhi ek kaam karte hain. इसको बोला 20 डिग्री पे फेक और इसको बोला 70 डिग्री पे फेक, तो अगेन दे ये फाउंड द रेंज टू बी एग्जैक्टली सेम. फिर कोई भी एंगल जिस पे इसकी ये फेकता था, कौन? भरगेश और मास. मास खाली क्या करता था? 90 माइनस थीटा, बट यू वाज सेम दोनों का. तो क्या मालूम पड़ता था? सेम दोनों का. क्या सेम आता था हर बार व्हेन थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे? क्या सेम आता था दोनों का? रेंज सेम आता था. तो हमको प्रूव करके बताना है कि भाई
if theta angle is theta or 90 minus theta, range will remain the same. तो हम लोग ऐसे करते हैं. Let theta 1 equal to theta. Therefore, what is range equal to? U square sine 2 theta upon g. Equation number 1. Let theta 2 equal to 90 minus theta. So what will be range? R dash equal to u square sine 2. Tell me theta ke badle kya likhu aapke paas? 90 minus theta. 90 minus theta. अरे यार एक गड़बड़ हो गया. एक formula बताना भूल गया मैं आपको. एक remember ये formula. आपको सीखने को मिलेगा बाद में. Sine of 180 minus theta is sine theta. ये कहीं लिख के रखो इसको. ये कहीं top पे लिख के रखो. ये mathematics में जो trigger आएगा तो ये prove होएगा. सर बताएंगे आपको. Sine of 180 minus theta equal to sine theta. All right. So, यहाँ पे tell me if I open the bracket, what will I get? U square sine 180 minus 2 theta upon g. That is equal to u square sine 2 theta upon g. This is let us say equation 2. But 2 equal to 1, therefore theta and 90 minus theta are two angles for same range. मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर से. कॉपी किया आपने क्या इसको? कॉपी किया सभी ने? बोलो कॉपी किया क्या? यस और नो? यस सर. थीटा वन सपोज थीटा है तो व्हाट इज आर इक्वल टू? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. इक्वेशन नंबर वन. थीटा टू मैंने क्या किया ना? थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा लिया. एंड लेट नाउ रेंज बिकम आर डैश. तो आर डैश में क्या कर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के बदले में क्या लिखूंगा? 90 माइनस थीटा अपॉन जी. दैट इज यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी. बट साइन ऑफ 180 माइनस एनी एंगल इज साइन थीटा. तो यहां पे 2 थीटा था तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. बट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कैन यू सी इज आर. सपोज मैंने इसको यहाँ पे एक्चुअली लिख सकते हो दैट इज आल्सो इक्वल टू आर. वैसे भी कर सकते हो. बट 2 एंड 1 आर इक्वल. दैट मींस थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर टू एंगल और देयरफॉर इक्वल देयरफॉर आर डैश इक्वल टू आर एंड देयरफॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर टू एंगल्स फॉर सेम रेंज. यू शुड रिमेन सेम. यू शुड नॉट चेंज. दोनों टाइम पे यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन द सेम. ओम मिस्त्री एचमैक्स का फॉर्मूला बोल. ओम मिस्त्री एचमैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. दैट्स इट. मेरे को ऐसा आंसर चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड भी बोलो राइट हैंड साइड भी बोलो. ओके विधि विधि रेंज इज मैक्सिमम फॉर व्हाट एंगल? And what is sine of 90 degrees? The one. That is right. Chalo, abhi hai na. Aisa likho, show that R max equal to 4 times H max. Show that R max equal to 4 times H max. एचमैक्स का फॉर्मूला. एचमैक्स का फॉर्मूला मुझे बताएगा माज. माज बता सर. एचमैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. दैट्स लवली आंसर.
वेरी गुड आंसर. रेंज का फॉर्मूला बताएगा अफीफ. अफीफ सर, यू स्क्वायर रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. ओके, नाउ टेल मी फॉर आर टू बी मैक्सिमम व्हाट शुड आई राइट. आर टू बी मैक्सिमम थीटा शुड बी कितना? 90 डिग्रीज. यू एग्री? फॉर आर टू बी मैक्सिमम थीटा शुड बी 90 डिग्रीज. ऑल ऑफ यू एग्री और नो? सर 45 डिग्री. दैट्स राइट जी. तो therefore, what will be R max? Will be U square sine 90 upon G. अब बोलेंगे सर इधर 45 ले इधर 90 क्यों लिखा? Because 2 theta. 2 into 45 is 90, and that is equal to U square by G. R max is U square by G. Suppose this is equation number 1, and this is equation number 2. Tell me one thing, can I divide 2 by 1? Can I divide 2 by 1? If equation 2 divide by equation 1. Equation 2 divided by equation 1. And you get R max upon H max equal to U square divided by G multiplied by 2G upon theta. Sir, 90. किधर 90? किधर 90? किधर 90? बोलो बोलो जल्दी. ये एक्चुअली ये देख के समझ में आना चाहिए कि सर ये करना चाहिए था आपको. Who can tell me that? Who can tell me that? Sir, हाँ बोलो बोलो. एट इक्वल्स टू विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g. विल बी व्हाट इज साइन 45? व्हाट इज साइन 45? वन बाय रूट टू का स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 4g. क्योंकि 45 डिग्री पे है ना रेंज, मैक्सिमम 45 डिग्री पे है. अगर ये 45 पे तो उधर भी मुझे 45 रखना पड़ेगा कंपलसरी. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. डिवाइड 2 बाय 3. डिवाइड 2 बाय 3. व्हाट विल आई गेट? हाँ हो गया.
समझ में आया क्या बच्चों? क्योंकि अगर मैं यहाँ थीटा 45 डालता हूँ तो यहाँ पे भी 45 डालना पड़ेगा, तो ही कंपेयर हो सकता है ना, तो आंसर में थीटा बैठा रहेगा वहां पे. इज दिस क्लियर और नॉट? देखो एच मैक्स ये जनरल फॉर्मूला लिखा आर, बट आर मैक्सिमम के टाइम पर जरा थीटा 45 डिग्री रखना है, तो थीटा 45 डिग्री तो आर मैक्स का आंसर ही आया, तो थीटा 45 मुझे वहां कंपल्सरी डालना पड़ेगा. एच मैक्स एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री विल बी दिस एंड देन डिवाइड 2 बाय 3 टू गेट दिस आंसर. I hope that's clear. Yes, sir. Okay. एक छोटा सा आंसर. Show that r equal to zero. कौन बताएगा मेरे को? ये क्वेश्चन कौन कंप्लीट करेगा? R equal to zero when theta equal to. कौन बताएगा? अगर हम कितने एंगल से फेंके तो रेंज होगा ही नहीं, रेंज विल बी जीरो, लेकिन हम लोग प्रूव करेंगे बाय फॉर्मूला. बाय फॉर्मूला हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया मैं. Remember, sine of 180 is zero. Sine 180 is zero. ये formula ये आया है कि नहीं अभी तक तुमको? शायद 90 तक ही है, इसके आगे नहीं आया होगा ना, मैथ्स में ही आया है. No sir. हाँ तो ये जरा formula दे मेरे को. Sine 180 zero. This sir will teach you when he will start trigo. Right now you just take it for granted. U square sine 2 theta upon g when theta equal to 90 degrees. R may be equal to u square sine 2 into 90 upon g, u square sine 180 upon g, that is u square into 0 upon g, and that is equal to 0. हाँ हो गया. यस सर. ओके अब हम लोग करते हैं प्रॉब्लम. लिखो एक पहला प्रॉब्लम लिखो. पहला प्रॉब्लम तो सीधा फॉर्मूला वाला है प्रॉब्लम. लिखो अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड. At an angle of 30 degrees with the horizontal. Calculate maximum height, time of flight, range. What is HMX का formula?
u square sine square that is 60 square upon 2 into 9.8 that is 3600. Sine 30 कितना होता है? Sine 30 कितना होता है? Half. Sine square 30 will become 1/4. Very simply for this, x max will be equal to g के बदले 10 ले लो. ये लोग ने 10 लिया है. यहाँ पे इनको take g equal to 10 meter per second square. 10 × 40 × 80 All right, इसका आंसर ये लोग ने लिखा यहाँ पे 45 meter. H max is 45 meters. All right. Then दूसरा है time of flight. Time of flight का formula. Oh mystery. T equals to 2u sin theta upon g. That's lovely answer. 2 into u kitna hai? U is 60, sin 30 upon g hai 10. This is 6, 12 into sin 30 is half. So that is equal to 6 meter. क्या लिखूं 6 meter या 6 centimeter? क्या लिखूं 6 meter या centimeter? A meter. That's very bad answer. Very bad answer. I didn't like this answer. you have to be very, you have to be very क्या बोलते हैं vigilant about what I'm asking. रेंज का फॉर्मूला लेट मी आस्क अभी धीरे धीरे सबको याद हो जाएगा. अब प्रिशा बोलोगी रेंज का फॉर्मूला? वेरी गुड प्रिशा. रहती है कि नहीं? मेरे को तो डाउट लगता है वो इधर खाली इधर अपने को दिखाई देती है लेकिन अंदर है कि नहीं है. यस बोल यस प्रिशा. यस नो. चलो विधि आर का फॉर्मूला बोल. R equals to u square sine theta upon g. That's lovely answer. U square yani 60 ka square sine 60 upon g hai 10. That is 360 into sine 60 is root 3/2 and that is equal to 180 root 3 and that is then you should defy. अरे 180 रूट 3 दिया है आंसर. ठीक है 180 रूट 3. सपोज अगर यहाँ पे ये एक्चुअली पूछा नहीं है. सपोज मैं पूछू ऑल्सो फाइंड आर मैक्स तो आप क्या करते? आर मैक्स पूछा होता तो क्या करते आप? मैंने पूछा आर मैक्स बताओ तो व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज? 40. आर मैक्स करना होता तो मुझे क्या करना पड़ता? यू स्क्वायर अपन जी. दैट्स राइट. वेरी गुड.